सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 6ठा श्लोक कहता है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात वहाँ पर, अर्थात जो परम धाम है वहाँ पर न सूर्य न शशांक अर्थात चंद्रमा और न ही अग्नि ही भासते हैं, ये वहाँ पर प्रकाश नहीं देते हैं, जहाँ जाने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता। तो वह परम धाम जहाँ जाने के बाद पुनः नहीं लौटना पड़ता, वहाँ पर सूर्य शशांक और अग्नि ये प्रकाशित नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर पहली बात तो यह है कि यह माना गया है कि सूर्य जो है वह प्रकाशित करता है, उससे प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से भी प्रकाश आता है, सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर के आता है और अग्नि से भी प्रकाश आता है। अग्नि जब तेज जलती है तो प्रकाश आता है, तो ताप उससे भी आता है और प्रकाश भी आता है, तो उससे जो है आलोकित होता है यह संसार। यानी यह संसार जिस जिस से आलोकित होता है वह आलोकित नहीं करता है परम धाम को। यानी परम धाम में जो प्रकाश है, प्रकाश तो वहाँ भी है, प्रकाश स्वरूप है, परंतु वह यह भौतिक प्रकाश नहीं है। यह यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अर्थात अभौतिक प्रकाश भी होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है गीता की। अब तक हम लोग भौतिक प्रकाश की बात ही समझते आए हैं, तो भौतिक प्रकाश की जो गति है वह लिमिटेड है, सीमित है, उसकी ऊर्जा भी सीमित है, उसके रंग भी सीमित हैं, परंतु वह जो परम धाम है उसके विषय में कहा जा रहा है कि वहाँ यह प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो है परंतु यह प्रकाश विलक्षण प्रकाश से अलग प्रकाश, दिव्य प्रकाश है वह। उस प्रकाश की किरणों से यानी उसकी जो तरंगे हैं उन तरंगों से प्रभावित होकर के ये तरंगे बनती हैं। यानी भौतिक प्रकाश की उत्पत्ति उस प्रकाश से होती है। यहाँ पर एक फिजिक्स का नियम बहुत बता रहे हैं भगवान कि ये भौतिक जितने भी पदार्थ हैं वे कहाँ से आते हैं। तो भौतिक पदार्थ कहाँ से आते हैं, तो प्रकाश से आते हैं। स्पष्ट यहाँ भगवान बता रहे हैं, वो प्रकाश सूर्य से हो, चंद्रमा से हो, चाहे अग्नि से, ताप से आता है प्रकाश। लेकिन ये सारे जो प्रकाश हैं ये ही जो हैं ये भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के कारण है प्रकाश। परंतु यह प्रकाश वहाँ नहीं है। इस प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से है, तो इस विषय पर भगवान कहते हैं कि वहाँ पर यह भी प्रकाश नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकाश की उत्पत्ति का कारण वह एक दूसरा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश। उसकी प्रेरणा से यह प्रकाश उत्पन्न होता है। और वह जो प्रकाश है, जो परम धाम का प्रकाश है, वह प्रकाश ऐसा प्रकाश है जैसे यह जो प्रकाश है, इस प्रकाश से तो हमें सिर्फ ज्ञान और सुख मिलता है, यानी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान मिलता है,
और सुख मिलते हैं। लेकिन वह जो प्रकाश है उस प्रकाश से हमें परम ज्ञान मिलता है और आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। यानी उस प्रकाश का यह स्वभाव है। और यहां पर ये जो सूर्य और शशांक की बात की गई, इनको यहां पर भगवान के रूप में नहीं बताया गया है, देव के रूप में नहीं बताया गया है, इसको सिर्फ एक भौतिक तत्व के रूप में यहां पर इस श्लोक में बतलाया गया। और वह जो दिव्य प्रकाश है वह उस परम धाम में है, तो परमा वहां पर जो है तद धाम परमम मम, तो उस धाम को एक परमात्मा के स्वरूप के रूप में भी माना गया, प्रकाश को भी परमात्मा के स्वरूप में माना गया है, वह यह प्रकाश नहीं है। इसी तरह की जो है बातें उस श्रुति में भी है, उपनिषदों में भी ये बात आई है, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इन उपनिषदों में भी इस तरह के वर्णन आए हैं प्रकाश के विषय। जैसे कि यह कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात वह परमात्मा जो है उसको यह सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, न चंद्रमा न तारे प्रकाशित करते हैं, न विद्युत प्रकाशित करता है और न ही यह अग्नि प्रकाशित करती है, बल्कि उल्टे ये सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि उस परमात्मा से ही प्रकाश भी प्रकाशित होता है। देखिए श्रुति ने उपनिषद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इसी बात को गीता भी कह रही है। हालांकि गीता की यहां स्पष्टता उतनी नहीं है, गीता ने सिर्फ इतना ही कहा है यहां पर कि वह जो है इसे प्रकाशित नहीं होता, लेकिन उपनिषद में तो स्पष्ट कह दिया गया कि जितने भी प्रकाशित होने वाले हैं वे सब उससे ही प्रकाशित होते हैं, परमात्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं। सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये सूर्य चांद तारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, प्रकाश ताप अग्नि विद्युत, विद्युत का भी यहाँ नाम लिया हुआ है, नैमा विद्यतो भान्ति, विद्युत भी प्रकाशित करता है। तो इन सबको प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वह प्रकाश, यही यहाँ पर भगवान का भी मतलब है। और वह जो धाम है उस धाम का तो वैसे अलग अलग लोग अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिस जिस तरह से भक्त लोग पूजा करते हैं, जिन जिनकी पूजा करते हैं उनके हिसाब से नामकरण कर दिया गया है, कोई गोलोक कह देता है, कोई शिवलोक कह देता है, कोई ब्रह्मलोक कह देता है, कोई साकेत धाम कह देता है, कोई देव देवी द्वीप कह देता है। तो कहने का मतलब है कि अपने जो है ईश्वर के जिस स्वरूप की आराधना करता है उसके हिसाब से उसने उसका नामकरण किया हुआ है शास्त्रकारों ने, परंतु वह तत्व तो एक ही चीज है, बात वह एक ही चीज है। और जो ऐसे प्रकाश है जिसको कि आदि दैविक प्रकाश कहा जाता है, जैसे नेत्र है यह प्रकाशित होता है प्रकाश से, मन है वह प्रकाशित होता है, चंद्रमा को माना गया है मन के प्रकाशित होने के कारण, वाणी है वह अग्नि से माना गया है, तो इस तरह से माना गया है कि ये इसे प्रकाशित होते हैं, यानी इसकी जो शक्ति है वो यहाँ वहाँ से मिलती है, प्रस्फुटित वहाँ से हो रहे हैं, शरीर जो है रसायन से, रासायनिक शक्ति से शरीर जो है निर्मित हो रहा है।
हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भगवान ने तो वैसे हर चीज़ कहा है। पीछे के अध्याय में हम लोग देख आए हैं कि भगवान ने कहा कि मैं सूरज भी हूँ, मैं चांद भी हूँ, मैं तारा भी हूँ, मैं ग्रह हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं पौधा हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं नदी हूँ, सब तो भगवान ने कहा है कि मैं यही हूँ। तो अपनी विभूति बताया है, विभूति पाद में देखेंगे तो विभूति योग जो अध्याय हम लोगों ने देखा तो उसमें ये सब शब्द हम लोगों ने देखा कि ये सब बता रहे हैं भगवान, सबको अपना स्वरूप ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद तो यानी आपकी गति वहाँ जब हो जाएगी, यानी जब साधक भक्त हो जाता है तो उसकी गति वहाँ हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है गति वहाँ। जब आप में वह उपलब्धि आ जाएगी, वह क्षमता आ जाएगी, वह अनन्य भक्ति आ जाएगी तो अपने आप ही गति हो जाएगी और वहाँ पर गोलोक धाम, साकेत धाम, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोग जो भी आप कह लें तो वहाँ पर गति हो जाती है और वहाँ जाने के बाद फिर से नहीं आता व्यक्ति। तब कोई कह सकता है फिर से नहीं आता, न निवर्तन्ते यहाँ कहा गया है, तो फिर से नहीं आता तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर तो वह बंद गया कि आ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। उस स्वरूप में उस कर्म के हिसाब से अब वह नहीं आएगा, अब वह जब भी आएगा तो वह अवतार के रूप में आएगा, आ तो सकता ही है लेकिन अब अवतार के रूप में आएगा, अब कर्म बंधन में बंध करके नहीं आएगा, कर्म मुक्त होकर के आएगा, वैसे ही को अवतार कहा जाता है। तो यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि वह कभी भी किसी भी हालत में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं, अब वो अपनी इच्छा से आ सकता। तो यहाँ पर यही भगवान का हुआ था। और जो जो परम लोक की बात की गई है वह लोक जो है वो एक अलग ही आयाम है, तो जो अंतिम आयाम है सब चीज, बहुत सारे आयाम वैज्ञानिकों ने बताए हैं, 22 आयाम बताए हैं और वेद में तो और भी आयाम हैं, कुछ वैज्ञानिक 10 ही आयाम मानते हैं, लेकिन मान लीजिए कि और भी कुछ लोग ज़्यादा बताते हों, 10 आयाम ज़्यादा लोकप्रिय है वैज्ञानिकों के बीच में, लेकिन वेद तो बहुत ज़्यादा आयाम मानता है, 22 आयाम की बात किया है। तो धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न संख्या हैं, कुछ वेरिएशन है उसमें, परंतु जो अंतिम आयाम है, सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, उस सबसे महत्वपूर्ण आयाम को ही वैकुंठ लोक कहा गया है। और वहां पर परम आनंद है, उस धाम का सबसे बड़ा गुण यही है कि वहाँ परम आनंद है, इसीलिए आनंदमय कहा गया है, वेदांत दर्शन में भी कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात्। तो बराबर श्रुति ने अभ्यास से आनंदमय कहा है परमात्मा को, तो उस लोक में आनंद ही आनंद है, वह आनंद कितना है वह अनंत है, उसको बताया नहीं जा सकता। और वह उसका स्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां से फिर वैसे वापसी नहीं होती, वैसे स्थान से यद गत्वा जाने के बाद जब चले जाते हैं वहां पर, और चले जाएंगे कैसे, भगवान की कृपा से। भगवान कृपा किस पर होगी, जो उसका पात्र होगा, कोई पात्र पर थोड़ी वो हो जाएगी, जो पात्र होगा उसी पर वो कृपा होगी।
तो इसमें इतना ही। ओम।